चैनल, दिस इज मीनाक्षी, होप यू आर डूइंग गुड। आप जो मेकअप लुक देख रहे हो, ये मैंने एक फॉर्मल मेकअप लुक किया है। अगर आप ऑफिस जाते हो, कॉलेज जाते हो, जहाँ की इतना ज़्यादा मेकअप करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो आप इस तरीके का मेकअप कर सकते हैं। तो इसलिए मैंने आज एक फॉर्मल मेकअप लुक किया है। ये फॉर्मल मेकअप लुक आप एथनिक कपड़ों के साथ भी आप इसे कैरी कर सकते हैं, और वेस्टर्न फॉर्मल वेयर के साथ भी आप कैरी कर सकते हैं। इसमें मैंने बहुत सिंपल रखा है सब कुछ, सो दैट किसी को मेकअप करना अच्छा लगता है, थोड़ा सा प्रेजेंटेबल होना अच्छा लगता है, क्योंकि आपका कभी मीटिंग होता है, कुछ होता है, तो इस तरीके का आप मेकअप कर सकते हैं। जल्दी से इसे मेकअप कर सकते हैं। अगर आप फाउंडेशन के साथ इतना कंफर्टेबल नहीं है गाइस, तो आप बीबी क्रीम या सीसी क्रीम भी यूज कर सकते हैं गाइस। जैसे आप मॉर्निंग में ही मोस्टली फॉर्मल लुक, क्योंकि आप मॉर्निंग में ऑफिस जाते हैं, तो आप मॉइस्चराइज कर ले अपने फेस को, और सनस्क्रीन लगाना ना भूले, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गाइस। ये मेकअप लुक मैंने किया है, काफी सिंपल है गाइस, आप इसे कर सकते हैं, इजीली आप कर सकते हैं। इसमें से अगर कुछ चीजें अगर आपको जरूरी नहीं है, तो आप स्किप भी कर सकते हैं। तो चलिए गाइस, बिना लेट करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट आई विल स्टार्ट विथ मॉइस्चराइजर। आई एम अप्लाइंग पॉन्ड सुपरलाइट जेल मॉइस्चराइजर। आई विल अप्लाई ऑल ओवर माय फेस एंड नेक। मेकअप से पहले स्किन को हाइड्रेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक डे मेकअप है, इसलिए मैं सनस्क्रीन अप्लाई कर रही हूँ। आई एम अप्लाइंग लैक्मे सनस्क्रीन SPF 50++ अल्ट्रा मैट लोशन ऑल ओवर माय फेस एंड नेक। हैंड्स एंड लेग्स में भी सनस्क्रीन अप्लाई करना ना भूलें। चेहरे में हल्का सा इनर ग्लो के लिए मैं यूज कर रही हूँ स्विस ब्यूटी रियल मेकअप बेस हाइलाइटिंग प्राइमर। इसे मैं अपने पूरे फेस और नेक में अप्लाई कर रही हूँ। मैं यूज़ कर रही हूँ लैक्मे 9 to 5 कंसीलर अंडर माई आईज़, और जहाँ भी मेरा डार्क स्पॉट्स है और हाइलाइटिंग करने के लिए भी मैं सेम कंसीलर यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि ये एक ऑफिस लुक है, तो मैं ज़्यादा हाइलाइटिंग नहीं कर रही हूँ कंसीलर से। मैं एक बहुत ही सिंपल लुक क्रिएट कर रही हूँ। I am using Maybelline Fit Me Shade 220 all over my face and neck. इसे मैं डॉट डॉट करके पूरे फेस में अप्लाई कर रही हूँ। आप चाहें तो फाउंडेशन यूज़ ना करें, सीसी या बीबी क्रीम भी यूज़ कर सकते हो। With the help of beauty blender, I will be blending all over my face and neck.
To set the makeup, I am using Maybelline Fit Me Loose Powder all over my face and neck. Conceal area ko set karne ke liye bahut important hai guys. So don't forget to set the makeup. नेक्स्ट मैं यूज़ कर रही हूँ नायका आई शेडो पैलेट फॉर आईज़। मैं ये आई शेडो यूज़ कर रही हूँ ऑन माय आईलिड। एक्सेस को टैप ऑफ करके मैं अपने पूरे आईलिड में आई शेडो अप्लाई कर रही हूँ। क्योंकि ये लुक सिंपल रखना है इसलिए मैं एक ही आई शेडो अप्लाई कर रही हूँ। नेक्स्ट मैं वेट एंड वाइल्ड का आईब्रो किट यूज़ कर रही हूँ टू सेट माय आईब्रो। फर्स्ट मैं आईब्रो जेल ले रही हूँ, देन डार्क आईब्रो कलर लेके एक्सेस को टैप ऑफ करके अपने आईब्रो में अप्लाई कर रही हूँ। मैं अप्लाई कर रही हूँ शुगर का ब्लश ऑन माय चीक्स एंड नोज। मैं यूज कर रही हूँ शुगर ब्रॉन्जर अंडर चीकबोन, जॉलाइन, टेंपल। अगर आपका फेस स्लिम है तो आप ब्रॉन्जर को स्किप कर सकते हैं। देन आई एम अप्लाइंग पेंसिल लाइनर ऑन माय अपर लैश लाइन। एक थिन लाइनर ड्रॉ कर रही हूँ। एंगल ब्रश से मैं लाइनर को मर्ज कर रही हूँ एक नेचुरल लुक के लिए। लैश कर्लर से मैं अपने लैश को कर्ल कर रही हूँ। मैं अप्लाई कर रही हूँ लैक्मे आइकॉनिक मस्कारा ऑन माय अपर एंड लोअर लैशेस। अब मैं अप्लाई कर रही हूँ ब्लू हेवन पाउडर मैट लिपस्टिक ऑन माय लिप्स। 2 to 3 शेड्स आई विल बी अप्लाइंग ऑन माय लिप्स। ब्लू हेवन पाउडर मैट लिपस्टिक लगाने से पहले लिप्स को अच्छे से मॉइस्चराइज कर दें, उसके बाद लिपस्टिक अप्लाई करें। मुझे मेरे आंखों के कॉर्नर में थोड़ा डार्क लगा इसलिए मैंने लूज पाउडर और थोड़ा अप्लाई किया। टू फिक्स माय मेकअप आई एम यूजिंग फेसेस कनाडा मेकअप फिक्सर ऑन माय ब्यूटी ब्लेंडर एंड डैबिंग इट ऑल ओवर माय फेस। मुझे मेरा लिपस्टिक थोड़ा डार्क लगा सो आई अप्लाइड NYBAE शेड इज मग्स एंड हग्स 12 लिपस्टिक ऑन माय लिप्स। कंप्लीट द लुक आई एम वेयरिंग दिस ब्यूटीफुल इयररिंग फ्रॉम Amazon। आई हैव अप्लाइड मिनीसो परफ्यूम टू कीप मी फ्रेश ऑल डे।
आप ये लुक को कंप्लीट करने के लिए हाई पोनीटेल कर सकते हैं या फिर हेयर को ओपन रख सकते हैं। पोनी को एक मेसी लुक देने के लिए मैंने आगे से फिंगर कॉम किया। थोड़ा थोड़ा हेयर आप आगे से निकाल सकते हो, अच्छा लुक आता है। और ये लुक हो गया कंप्लीट। आपने देखा ये मेकअप लुक, काफी इजी है ये मेकअप लुक गाइस, कोई भी कर सकता है। आप ये लुक आराम से अचीव कर सकते हैं। अगर आप मेकअप को सेट करना नहीं चाहते हैं सेटिंग स्प्रे से, उसे यूज ना करें तो भी चलेगा, बट गाइस अगर आप काफी टाइम तक ऑफिस में रहते हैं तो मेकअप स्प्रे आप यूज कर सकते हैं, क्योंकि काफी टाइम तक आपका मेकअप सेट होके रहेगा। तो गाइस काफी इजी है, आप इस लुक को कर सकते हैं, अचीव करना इतना डिफिकल्ट नहीं है, इतना टाइम भी नहीं लगेगा। तो गाइस कैसा लगा आपको मेरा ये फॉर्मल मेकअप लुक, ऑफिस मेकअप लुक, कॉलेज मेकअप लुक आपको कैसा लगा प्लीज मुझे कमेंट करके बताना। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना मेरा वीडियो। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय गाइस।